चालू वित्त वर्ष 2021 से 2022 में भारत निर्यात में नया रिकॉर्ड बनाने की ओर है। निर्यात सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का ग्रोथ इंजन बनने के लिए भी तैयार है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल जून 2021 के जीडीपी विकास में निर्यात का योगदान 40% रहा। वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में निजी खपत के मद में 20,24,421 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि इस वर्ष अप्रैल से जून में ये खर्च 17,83,611 करोड़ रुपए का रहा। वहीं इस साल अप्रैल जून में निर्यात 7,68,589 करोड़ रुपए का रहा, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 की समान अवधि में 7,06,991 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया। विशेषज्ञों के मुताबिक जिस तरीके से वैश्विक माहौल बन रहा है और सरकार की तरफ से निर्यात बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, उसे देखते हुए निश्चित रूप से निर्यात को जीडीपी के ग्रोथ इंजन के रूप में देखा जा सकता है। चालू वित्त वर्ष के लिए सिर्फ वस्तु निर्यात के लिए $400 अरब का लक्ष्य रखा गया है और अप्रैल से अगस्त में लक्ष्य का 41% हासिल किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।